Hey, what is up guys? Welcome back to Chuck Gaming. और आज हमको लेस्टर ने एक बहुत ही खुफिया मिशन दिया है. उस मिशन का मेरे को कब से इंतजार था. लेस्टर ने ये बोला है कि भाई गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्पेशल व्हीकल मंगवाई है, फरारी क्रोम बुलेट प्रूफ, और भाई उसको हमें चुराना है सो दैट हम आगे आने वाले काफ़ी सारे मिशंस में जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी गैंग वॉर्स हो सकती हैं और हम पे पुलिस हमला कर सकती है उसमें हम यूज़ करें सो दैट हमें कुछ हो ना, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है, डैमेज प्रूफ है. बेसिकली बुलेट प्रूफ क्या, वो डैमेज प्रूफ है. अगर आप उसके अंदर हो तो आपको भी कुछ नहीं होगा और गाड़ी को भी कुछ नहीं होगा, चाहे टैंक आ जाए चाहे फिर हेलीकॉप्टर से मिसाइल्स मारें, वो लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो हमें जाना है मिलिट्री बेस, ऑब्वियसली वहीं से हम चुरा पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सारी सीक्रेट व्हीकल्स वहीं पर रखती है. तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ मैप में मिलिट्री बेस कहाँ होता है, और मैप में जो मिलिट्री बेस है वो कभी भी हमें दिखेगा नहीं, हमें ढूंढना पड़ता है. तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी खेल रहे हो और आपको ये जानना है कि मिलिट्री बेस कहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हो ये जो एक एरो सा बना हुआ है, ये यहाँ पर ये जो लंबी सी लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रॉड करके दिखाऊंगा अगर मैं तो, यहाँ पर मिलिट्री बेस है, मतलब ये सारा मिलिट्री बेस है. और जो नीचे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है फोर्ट जैंकूडो, तो ये मिलिट्री बेस का एरिया है GTA 5 यूनिवर्स के अंदर, HD यूनिवर्स के अंदर. तो हमें इस रास्ते से जाना होगा. तो हम चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी पे एंड उसके बाद देखते हैं कि यार क्या हम अंदर जा पाते हैं, वहाँ पे हमारे पीछे पुलिस पड़ती है या नहीं पड़ती, या फिर कोई सिक्योरिटी होती है या नहीं होती. ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो होगी, बट देखते हैं कि हमारे साथ वो कैसा रिएक्ट करती है. फटाफट से मैं इसको मार्क कर देता हूँ एंड यहाँ पर चलते हैं. बहुत लंबा रास्ता है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको स्किप कर दूँ इस रास्ते को, या फिर टाइम लैप्स करके दिखा दूँ आपको, बट फटाफट से थोड़ा सा रास्ता कवर करते हैं. तो चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद मिलिट्री बेस की तरफ चलते हैं. वैसे फ्रैंकलिन यार है तो छोटा मोटा गैंगस्टर, पता नहीं इतनी बड़ी मिलिट्री के साथ कैसे निपटेगा. मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा सा रहा हूँ लिटरली इसको ले जाते हुए वहाँ पे, बट कोई बात नहीं, चलते हैं. खुशी तो बहुत हो रही है मुझे इस मिशन पे जाते हुए, पर सच बताऊँ तो यार डर भी लग रहा है अंदर से. चलते हैं. टिकटॉक की वो वाली मीम याद आ गई मुझे, ऐसे ऐसे हो रही है. तो भाई फटाफट से चलते हैं, और शायद इसके बाद, आज के बाद इसको ये वाली गाड़ी कभी ना चलानी पड़े, क्योंकि लेस्टर, जैसा कि आप जानते हो भाई, लेस्टर है तो दिल का बहुत बड़ा, उसका दिल बहुत बड़ा है. अगर फ्रैंकलिन उसके लिए कोई काम करता है ना, तो वो जो चीज़ चुराता है या फिर उसकी हेल्प अगर बहुत ज़्यादा करता है फ्रैंकलिन, तो वो उसी को सारा कुछ दे देता है. तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने कहा था कि रास्ता बहुत लंबा है तो हो सकता है मैं स्किप कर दूँ, तो मैंने स्किप किया, और स्किप भी भाई तब किया जब गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. तो फिर फ्रैंकलिन ने लेस्टर को फ़ोन किया कि भाई तेरे तो बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर कोई बाइक अरेंज हो सकती है तो अरेंज करवा दें. तो आप देख सकते हो हमारे लिए लेस्टर ने ये बाइक अरेंज करवाई है, बिकॉज भाई खास आदमी है फ्रैंकलिन उसका, और ये दिखने में लग तो हायाबुसा जैसी रही है, लग भी रहा है कि सुजुकी लिखा हुआ है, बट देखो सुजुकी नहीं लिखा हुआ है, शिज़ू. रुको फर्स्ट पर्सन मोड में दिखाता हूँ. ये बाइक भिजवाई है लेस्टर ने एक अपने एक और बंदे से, और आप देखो ये इतनी सही लग रही है, ये पूरी हायाबुसा की तरह लग रही है, शिज़ू लिखा हुआ है आगे और रेड कलर में, भाई क्या कातिल लग रही है. तो फटाफट से चलते हैं एसी पे और एक बारी इसको भी ड्राइव करके देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं, हाँ नॉर्मली. तो देखो मैंने मैप में मार्क कर रखा है, और ये जो पर्पल वे है यहाँ तक हमें जाना है, थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे स्किप नहीं करना चाहिए, रास्ता भी दिखा दूँ थोड़ा सा. फ्रैंकलिन को मोटर व्लॉगिंग करने का भी बड़ा शौक है, तो इसलिए वो चाहता है कि आप लोग थोड़ा रास्ता भी देख लो उसका. घुपने वाला था, डर जाता है बेचारा. ओ तो गाइस देखो, बस हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और आपको इस एरिया में घुसते ही ना मिलिट्री की गाड़ियां दिखने लग जाएंगी, एंड एक तरह से समझ आ जाएगा कि भाई ये खतरा है यहाँ पे. बट कोई बात नहीं भाई, खतरे उठाना तो फ्रैंकलिन का हॉबी है, हॉबी पेशा भी नहीं, हॉबी. देखो यहाँ पे देखो मिलिट्री बेस के बाहर ये जेट्स, फाइटर जेट्स जो है डॉग फाइट करते हुए यहाँ पर देखो बने हुए हैं. एक बार उतर के दिखाता हूँ, ये हेलमेट पहन लेते पहले, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आई गेस. ओ ये देखो यहाँ पर कुछ सिंबल भी लिखा हुआ है, मेमोरियम, किसी फाइट का मेमोरियम है ये. और देखो वो देखो जेट्स भी उड़ रहे हैं उनके, पुलिस वालों के. चलो चलते हैं फिर अंदर जाने की कोशिश करते हैं. हेलमेट पहन ले भाई, पहले हो सकता है सर पे ही गोली मारे तेरे को. वीली मारते जाएंगे भाई. ओ यस, चलो तो गाइस यहाँ जाना है हमें, जैसा कि आप देख सकते हो फिंगर्स क्रॉस, पता नहीं क्या होने वाला है भाई. ओके अभी तक तो कुछ नहीं, दरवाजे तक तो पहुंच गए हैं. लीव द एरिया नाउ, भाई खोल दे यार, कोई बात नहीं. I'm not going to say this again.
उसने बंदूक ताल ली है हम पे, चलो इसको दिखाते हैं कि हम जा रहे हैं, चलो पहले इसको ये शो करते हैं कहीं ऐसा ना हो घुसने पे ही गोली मार दे। चलो अब मोड़ते हैं। ओहो इसको स्टंट मारने की पड़ी हुई है, बर्निंग मार के मोड़ रहा है भाई साहब लौंडा। अब एक काम करते हैं स्पीड से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर पूछ के जाएंगे तो जाने नहीं देंगे वो, तो अब मैं निकाल रहा हूँ भाई फटाफट से। अब ये रोक के चेक कुछ भी गए। ओ भाई देखो चार स्टार हो गए एकदम ही। ओ शिट शिट शिट, ओ शिट 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 शिट, नहीं 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 भाई मार दिया एकदम ही यार इन्होंने तो भाई। इसका मतलब कि हम नॉर्मल रास्ते से तो नहीं घुस सकते भाई अंदर, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। रुक जाओ। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ जाना होता है मिलिट्री बेस के लिए, ये रास्ता था जो उसके डोर से होकर जाता था और हमें पूछना पड़ रहा था या फिर हमें मिलिट्री मार दे रही थी। बट लेस्टर को मैंने फोन किया और उसने मुझे बताया कि ये वाला हाईवे पकड़ और यहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन है जहाँ से तू जा सकता है मिलिट्री बेस के अंदर सीधा, कोई पुलिस नहीं होगी कुछ नहीं होगा। हाँ अंदर जाते ही पुलिस तेरे पीछे पड़ जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, बट तू अंदर घुस जाएगा। तो एक बार अंदर घुसने की कोशिश करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि पुलिस से कैसे निपटेंगे। तो फटाफट से चलते हैं इस रास्ते पर, मार्क कर देता हूँ उस लोकेशन को। और आप देख रहे हो जैसे कि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ इससे, इस लोकेशन से। तो फटाफट से ये रास्ता भी मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ पर थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा ज़रूर। चलो फटाफट से फिर यहाँ पे चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम उस रास्ते पर आ गए हैं जो एक सीक्रेट जगह है मिलिट्री बेस के अंदर घुसने की। एंड मैं पहले आपको जाकर दिखाता हूँ कि हमें कैसे जाना है, पहले प्लान बता दूँ सारा एंड उसके बाद मैं आपको जाकर दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये एक टनल काइंड ऑफ या फुट ओवर ब्रिज काइंड ऑफ जगह है और इसके साथ में ये एक पहाड़ी सी है जो काइंड ऑफ एक रैंप बना रहा है हमारे लिए टेक ऑफ करने के लिए। तो हमें फटाफट से तेज़ी से चला के आनी होगी और ये मिलिट्री बेस की बाउंड्री है, इसको हमें फांदना होगा, मतलब कि कूद के जाना होगा इसके पार। तो क्योंकि नॉर्मल एंट्री से तो वो हमें जाने नहीं दे रहे, जैसे ही हम जाते हैं ओ ये क्या हुआ। अरे भाई झाड़ियों में क्या बुश कैंपिंग करने लग गया है, इसको लगता है पबजी का शौक चढ़ गया है। कहाँ गई बाइक दिख नहीं रही, चलो कोई बात नहीं। मैंने चलो तो हमको दूर से आना पड़ेगा पहले एंड हो सकता है पहले अटेम्प्ट में हो जाए कि हम जंप मार के चले जाएँ, बट पॉसिबल है कि ना हो, तो देखते हैं ट्राई करते हैं, उनको पता ना चले यार, क्योंकि हम मेन गेट से तो जा नहीं रहे, एक तरह से हम स्नीक इन कर रहे हैं। हो सकता है उनको ना पता चले, पर अगर पता चल गया यार देखो ऊपर देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनके यार, शिट सच में बहुत डर लग रहा है मुझको। ओ ये क्या हो रहा है भाई पहले, चलो अब बढ़ानी पड़ेगी स्पीड गाइस। ओ पहला अटेम्प्ट, ऐसे कैसे हो सकता है गाइस। पहला अटेम्प्ट तो फ्रैंकलिन बेचारे का फेल रहा और वेस्टेड ही हो गया, कोई बात नहीं सेकंड अटेम्प्ट, कोई बात नहीं फ्रैंकलिन चल। अब मैं बहुत दूर से भगाता हुआ जा रहा हूँ सो दैट टकराऊँ ना मैं उस फेंस से। पहले हुआ क्या कि मैं उस फेंस से टकरा गया और मर गया बेचारा। अब फेंस से नहीं टकराना है, फेंस से नहीं टकराना है। यस 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 यू कैन डू इट फ्रैंकलिन। ओ बहुत मुश्किल है भाई ये जंप करना, बहुत मुश्किल है, मिलिट्री बेस है भाई, मजाक थोड़ी अंदर जाना। एक बार फिर से एक और ट्राई फ्रैंकलिन, कोई बात नहीं निराश नहीं होना फ्रैंकलिन मेरे भाई, विली मारता वो चल। यस 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 बस 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 ओ यस 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 यू कैन डू इट फ्रैंकलिन, यू कैन डू इट यू फाइनली। ओह शिट यार चार स्टार्स को अंदर आती ही मैन, शिट 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 जल्दी भागो फटाफट से, यही गए वहां से, ये उनका स्टोरेज हाउस का है उस गाड़ी। ओ ये रहा हैंगर, इस वाले हैंगर में है गाइस, इस वाले हैंगर में है। ओ शिट 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 ओ भाई ये तो अंदर भी खड़े हुए हैं। ओ भाई ये देखो ये रही, ओ शिट मैन ये देखो ये रही गाड़ी। ओ भाई कैसे खड़े, ओ भाई देखना जरा, ओ भाई कैसी गाड़ी, अच्छा सारे गेट्स खुले हुए, ओ भाई क्रोम फिनिश भाई, बैठ फटाफट से बैठ, छोड़ तू, ओ भगा भाई भगा भगा भगा, ओ शिट। चलो अब इस गाड़ी के अंदर बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें। ओ भाई टेस्ट, ओ ये क्या हो रहा है भाई, भाग भाग भाग
इस गाड़ी के अंदर बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसको तो कुछ नहीं होने वाला, वो टैंक आ रहा है सामने से। भाई देख कुछ नहीं हुआ भाई, बस बाहर का रास्ता मिल जाए फटाफट से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बाहर का रास्ता कहाँ, इधर है क्या? अरे यार बाहर का रास्ता कहाँ है, ये है क्या? ओ भाई निकल चुके हम बाहर लगता है। ओ भाई ये देखो जरा, ओ हट 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 साले, भाई पकड़ा ना जाऊं, बस पकड़ा गया तो खत्म, पकड़ा गया तो खत्म, डैमेज तो कुछ नहीं होने वाला। ओ भाई निकले, ओ भाई क्या है आगे, ओ हो ओ गाड़ी, ओ भाई दिया, अरे नहीं 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 नहीं, शेटी कहाँ चले गए हम, अरे यार ये कहाँ चले गए। तो गैस किस तरह बचा के इसको शहर में तो ले आया हूँ, बट भाई यहाँ पर भी पुलिस पीछा नहीं छोड़ रही है जैसा कि आप देख रहे हो भाई। फटाफट से मुझे इनसे बचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टनल में घुस के या फिर किसी सबवे में घुस के भाई। ओ भाई ये गाड़ी बहुत गदर है यार, एक तो ये गाड़ी नहीं संभल रही इजीली। ओ भाई देख लो एक बार ये गाड़ी, एक सेकंड बस पुलिस हट जाए, ये सारे स्टार्स चमकने बंद हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार तसल्ली से रुक के, गाड़ी का पूरा एंगल दिखाऊंगा, हर एक एंगल दिखाऊंगा, एंड आपको समझ आएगा कि भाई कितनी खतरनाक गाड़ी चोरी की है। भाई 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 आराम से, बहुत गंदी चला रहा हूँ मैं, मुझे पता है। ओ ओ भाई, ओ भाई भाई भाई, नहीं 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 पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है इसको। अरे यार भागना पड़ेगा मुझे फटाफट से, ट्रेन को फॉलो कर सकता हूँ मैं, ट्रेन टर्नी में जाएगी, हाँ ट्रेन को फॉलो करना पड़ेगा मुझे गाइस, ट्रेन को फॉलो करता हूँ, ट्रेन जरूर किसी ना किसी टनल में जाएगी और वहां पर बचने का रास्ता है। ओके ये थोड़ा कुछ, ओ शिट ध्यान नहीं दिया मैंने यार पीछे। ओ अबे अबे क्या कर रहे हो यार, ट्रेन मेरे को लेके जाएगी अपने साथ। ओ ये कहां से आ रहा उड़ता हुआ, ओ टनल आ गई, टनल आ गई गाइस, टनल आ गई, यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर। ओके 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 ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो हमें स्पॉट नहीं कर पाएंगे। अबे यार अंदर ना आ जाए यार इस टनल के वो लोग, भाई सच में बहुत डर लग रहा है मुझे यार लिटरली। वो ट्रेन आ गई यार, शिट ट्रेन हमें मार तो नहीं देगी, शिट। ओ यस गाइस, यस स्टार्स बिल्कुल चले गए हैं एंड वी आर फ्री नाउ, मजा आ गया भाई। ये देखो अंधेरे में कैसी लग रही है इसकी लाइट्स, हमारी क्रोम फरारी बुलेट प्रूफ डैमेज प्रूफ, भाई साहब मजा आ गया भाई। तो गाइस फाइनली टाउन में ले आए हैं हम लोग और बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है, चलते हैं इसके गैराज में फटाफट से और इसको स्टोर कर देते हैं गाड़ी को, सो दैट भाई पुलिस वाले ना ढूंढ पाए, क्योंकि पुलिस वालों ने ढूंढ ली ना अगर तो भाई कचरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी मुश्किल से हमने इसको चुरा के लेके आए हैं। एंड दो मिनट रुको, एक सेकेंड किसी खाली जगह पर आन दो, फिर मैं आपको इसके अच्छे से लुक्स दिखा दूँ। चलो यहाँ रोक के दिखाता हूँ, तो उतरते हैं यहाँ पे गाइज, और ये देखो ये गाड़ी है भाई क्रोम फिनिश में, देख रहे हो क्या रिफ्लेक्शंस मार रही है भाई, अपनी शक्ल देख सकते हैं फ्रैंकलिन के अंदर, ये देखो जरा। ओ भाई साहब ये देखो जरा, फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये देखो। ओ भाई गाड़ी देखो, अभी बैठ के दिखाता हूँ पूरे, ये सब कुछ खुलता है इसका, बूट ट्रंक सब खुलता है इसका भाई, ये देखो एक बारी पहले दूर से देखो थोड़ी, ओ देखो सड़क की रिफ्लेक्शन तक दिख रही है भाई, ये देखो फरारी के साइंस अल्टीमेट भाई, ये देखो जरा सामने से देखो, कत्ल भाई कत्ल गाड़ी। रुको अब सब खोल के दिखाता हूँ उसको, ये देखो जरा, ये देखो भाई साहब मज़ा ही आ गया भाई अल्टीमेट। देखो इसका यहाँ पर इंजन है आई गेस पीछे ही, भाई फर्स्ट पर्सन में करना पड़ेगा मुझे, ये देखो no ओ भाई फरारी लिखा हुआ है देखो अंदर अल्टीमेट, और देखो अंदर से कैसे लगती है, देखो बैठ के दिखाता हूँ। ओ भाई ये देखो, ये देखो जरा अंदर से भाई इंटीरियर देखो इसका, ओ थैंक्स मैन। आगे देखो ये आगे थोड़ा सा बूट है इसका और कुछ अपनी रिपेयर किट वगैरह रखने के लिए, कुछ टूल्स रखने के लिए या फिर मेड किट रखने के लिए, नथिंग एल्स। और पीछे ओ भाई ये देखो, ये भी देखने लग गया था, ओ ये क्या है रामू काका भाई अल्टीमेट मज़ा आ गया भाई। ये देखो अलॉयज में भी फरारी का साइन है
और ये पता है टायर साथ घूमता नहीं है, ये एक जगह रहेगा, टायर घूमेंगे पर एक जगह रहेगा भाई, वो वाला जो होता है ना फीचर, इसको मॉडिफाई भी कराएंगे फटाफट से, पहले चलते हैं पर। और फर्स्ट पर्सन हटा देता हूँ मैं, ऐसे चलाऊँ एक बार ये सब कुछ खोल के दिखेगा ही नहीं। ओ भाई अल्टीमेट, मैं उल्टा जा रहा हूँ ऊपर, घर चलते हैं पहले इसको स्टोर करते हैं। ओ भाई अल्टीमेट, ओ फर्स्ट पर्सन टायर, तो रुक जाओ भाई मुश्किल हो रही है गाड़ी चलाने में। चलो अपने घर चलते हैं, इसको स्टोर करते हैं। नहीं नहीं आगे से, आगे से भाई, मजा आ गया यार, बहुत खुश हूँ मैं इस गाड़ी से। और गाइस लेस्टर का फोन आ चुका है, उसने कंफर्म कर दिया कि भाई फ्रैंकलिन ये गाड़ी तू ही रखेगा, और भाई रखनी भी चाहिए थी, जितनी जंतोजहद करके लेके आया, अगर ये गाड़ी किसी और को दे देगा तो कैसे चलेगा भाई काम। तो अब जब भी फ्रैंकलिन गेड़िया मारा करेगा ना, इस गाड़ी में मारेंगे भाई, मजा आ जाएगा। चल 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 ध्यान से घर लेके चल, वैसे ध्यान रखने की तो कोई जरूरत नहीं है जब डैमेज प्रूफ गाड़ी है तो, बट फिर भी भाई अपनी गाड़ी है तो थोड़ा प्यार तो होता ही है ना। और ये देखो जी पहुंच गए हम, इसको रख देते हैं गैराज में। ओके चलो जी, इसको कर लिया हमने स्टोर, और ये खड़ी है अपनी पुरानी गाड़ी। भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, नो डाउट, बट इसको कौन चलाएगा यार इसके सामने। तो गाइस ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने मिलिट्री बेस से 4 स्टार की पुलिस होने के बाद भी एक क्रोम फरारी चुराई है जो बुलेट प्रूफ डैमेज प्रूफ है, और अब हम उसको कराएंगे कस्टम अगले एपिसोड में। तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन कराऊं, इसका एग्जॉस्ट चेंज कराऊं, आवाज चेंज कराऊं, इसका कलर चेंज कराऊं। कलर तो देखो पर्सनली मैं नहीं चाहता, बिकॉज मुझे ये चीज़ पसंद है बहुत ज़्यादा, ये क्रोम फिनिश, बट अगर आप कहोगे तो वो भी करके देख लेंगे। तो फटाफट से जो भी आप चाहते हो मैं इस गाड़ी में कराऊं कमेंट कर दो नीचे, एंड इसी तरीके के मजेदार एपिसोड में मिलेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए अडियोस।